पेपर लीक पे सीबीआई इन्वेस्टिगेटर है तो पता लग जाएगा। अगर उनको ये एग्जाम लेना ही था तो उन्होंने ग्रेस मार्क्स क्यों दिए? एंटी टेस्टिंग एजेंसी की स्कैम एजेंसी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आज बात करेंगे नीट परीक्षा में हुए कथित घोटाले की। इसके बाद इस प्रतिष्ठित संस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद ग्रेस मार्क का तो विवाद खत्म हो गया, लेकिन जब अब पेपर लीक को लेकर जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में गिरफ्तारियां हुई उसके बाद एनटीए अब सवालों के घेरे में है। हालात ये हैं कि छात्र एक तरफ जहां इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग पर अड़ गए हैं, दूसरी तरफ जिन छात्रों को री एग्जाम देना है उनके लिए एनटीए की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। ऐसे में एक तरफ जांच की मांग, दूसरी तरफ री एग्जामिनेशन ने छात्रों में कंफ्यूजन और बढ़ा दिया। और साथ ही आज के शो में यह भी हम जानेंगे कि अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार क्या मंथन कर रही है और संभावित बदलाव के सुगाहट के बीच क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। पेपर लीक पे सीबीआई इन्वेस्टिगेटर है तो पता लग जाएगा। अगर उनको ये एग्जाम लेना ही था तो उन्होंने ग्रेस मार्क्स क्यों दिए? एंटी टेस्टिंग एजेंसी की स्कैम एजेंसी है। नीट विवाद के तार देश के कई राज्यों से जुड़ रहे हैं और इस मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जिन पर नीट के छात्रों से कथित रूप से घूस लेने का आरोप लग रहा है। वहीं इस मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और ऐसे में देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्था एनटीए लगातार विवादों में घिरता जा रहा है। नीट पर अपडेट क्या है? नीट पर नहीं थम रहा विवाद। मामले में आया नया मोड़, कई राज्यों से है विवाद का कनेक्शन। नीट विवाद पर री एग्जाम कराने के फैसले के बाद भी फिलहाल मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा और इस कथित गड़बड़ी के तार कर्नाटक, ओडिशा, झारखंड, बिहार और गुजरात से भी जुड़ते दिख रहे हैं, जिस पर जमकर बवाल हो रहा है। इस मामले में अलग अलग राज्यों में सीबीआई जांच की मांग को लेकर 7 याचिकाएं भी दायर हो चुकी हैं। हमारे मार्क्स में एक-एक मार्क्स में 1000-2000 बच्चे, उनका क्या करोगे आप? वो तो उनको फिर भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, मतलब 720 वालों को फिर भी एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा, फिर भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। पर हमें, हमारा क्या, हमें तो कॉलेज मिलना भी बहुत मुश्किल है। 640 वाले को, 650 वाले को, 620 वाले को, 640 वाले को। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में भी नीट विवाद की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई, जिस पर कोर्ट ने फिलहाल कोई फैसला नहीं सुनाया है, लेकिन नीट को एक नोटिस जारी कर 2 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा गया है। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। जैसे रैंक बहुत ज़्यादा पीछे चला गया है तो उसके अकॉर्डिंग स्टेट के ही कॉलेजेस मिल रहे हैं और वो भी नीचे के कॉलेजेस मिल रहे हैं, तो इसके लिए यही है कि जो भी कुछ हुआ है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ सामने रखा जाए और फिर सब कुछ एक सही सा रिजल्ट दिया जाए। ये मामला इसलिए भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि इसमें सिर्फ ग्रेस मार्क का मामला नहीं है, बल्कि अब इसमें कथित गड़बड़ी और सांठ गांठ का भी आरोप लग रहा है। इसी को लेकर पिटीशनर हितेश सिंह कश्यप ने आरोप लगाया था कि मनचाहे सेंटर के लिए 26 छात्रों ने घूस दी थी। कर्नाटक, ओडिशा और झारखंड के सभी 26 छात्र हैं। गुजरात के गोधरा स्थित जल राम परीक्षा सेंटर के लिए घूस दिया गया था। 26 छात्रों ने 10-10 लाख रुपए की घूस दी थी।
पिटीशनर दाखिल करने वाले हिरेश सिंह कश्यप ने आरोप लगाया था कि सेंटर पर ड्यूटी दे रहे एक टीचर समेत जिन 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है उनके पास से इन 26 छात्रों की डिटेल मिली है, इसलिए इसमें गड़बड़ी की आशंका और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यही वजह है कि उनकी तरफ से इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है। स्कूल में से ये तुषार भट्ट और एक प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा है, वो दो स्कूल से पकड़े गए हैं। साथ में तुषार भट्ट के कॉन्टेक्ट में जो रॉय ये ओवरसीज कंसल्टेंसी चला रहा था परशुराम रॉय करके, परशुराम रॉय के एक और साथीदार था विभोर आनंद, और साथ में तुषार भट्ट का एक और बिचौलिए टाइप का आदमी था आरिफ वोरा करके, ये 5 लोगों को अभी तक पकड़ा गया है। दूसरी ओर इस मामले में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित अलग अलग राज्यों की हाई कोर्ट में नीट विवाद को लेकर 7 याचिकाएं दायर की गई हैं, जिस पर एनटीए ने इन सभी केस को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। एनटीए के अधिकारियों का कहना है कि अलग अलग फैसले से छात्रों में भ्रम की स्थिति पैदा होगी, जिससे बचने के लिए सभी केस का एक ही जगह सुनवाई होना जरूरी है। अब मामले की जांच सीबीआई से होगी या नहीं, ये तो 8 जुलाई को होने वाली सुनवाई के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल एनटीए ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से री एग्जाम करने के आदेश के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 23 जून को री एग्जाम होगा, जल्द ही जारी होंगे एडमिट कार्ड, छात्रों को री एग्जाम के लिए मेल भेजा जाएगा, जिन छात्रों को मेल जाएगा वे ही दे पाएंगे एग्जाम, 30 जून को आएगा री एग्जाम का रिजल्ट। ग्रेस मार्क खत्म कर री एग्जाम कराने के फैसले से तो छात्र संतुष्ट हैं, लेकिन अब जो इसमें कथित घूस का नया एंगल सामने आया है उसके बाद ये विवाद फिलहाल शांत होता नजर नहीं आ रहा। दूसरी ओर इससे जुड़े कई छात्रों की अलग अलग राज्यों से गिरफ्तारी ने आरोपों को बल दे दिया है। पेपर लीक पे सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे तो पता लग जाएगा, क्योंकि बिहार में एफआईआर हुई है, गुजरात में भी एफआईआर हुई है, कहीं पर प्रिंसिपल्स भी पकड़े गए हैं जहां पे ओएमआर टीचर्स भर रहे थे। ऐसे में अब सबकी नजर 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी है कि देश की सर्वोच्च अदालत सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार करती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, News18। तो निट पेपर लीक मामले का बिहार की राजधानी पटना से कनेक्शन जुड़ा है और इस मामले की जांच तेज कर दी गई है। नीट परीक्षा में बरती गई लापरवाही को लेकर देश भर में छात्र सड़कों पर उतर आए। राजधानी दिल्ली से लेकर कोलकाता और पटना तक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। नीट पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नीट पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। नीट परीक्षा रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। नीट परीक्षा रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। पेपर लीक पर परीक्षा का पंगा बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया। नीट यूजी 2024 की परीक्षा में जिन 1563 छात्रों को कम समय के एवज में ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उनके लिए दोबारा एग्जाम देने का ऑप्शन दे दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए एनटीए ने इस बाबत नोटिस भी जारी कर दिया है।
नोटिस के मुताबिक 5 मई 2024 को जिन छात्रों को लेट से ओएमआर शीट मिली थी और जिसके एवज में उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए, उन 1563 छात्रों को 23 जून 2024 को परीक्षा देने का मौका दिया गया है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सवाल अभी भी हैं। आरोप परीक्षा की प्रक्रिया में गड़बड़ी करने, पेपर लीक करने और तो और नतीजों से छेड़छाड़ करने तक का है। एनटीओ सरकार के इस पर अपने दावे हैं, लेकिन ये सवाल अब भी बरकरार हैं। और ऐसे ही एक मामले की जांच बिहार में चल रही है। दरअसल बिहार में इकोनॉमिक्स ऑफिस यूनिट यानी कि ईओयू एक मामले की जांच कर रही है। बिहार में व्हाट्सएप पर नीट का पेपर वायरल होने का आरोप है। आरोप ये भी है कि परीक्षा शुरू होने से पहले छात्रों को उत्तर मुहैया करवाया गया था। पटना के शास्त्री नगर थाने में पेपर लीक होने की एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। 17 मई को कथित पेपर लीक का ये मामला ईओयू के पास पहुंचा। दावा है कि शुरुआती जांच में पाया गया है कि बिहार में ये पेपर लीक नहीं हुआ, बल्कि हरियाणा और राजस्थान के पास किसी जगह से लीक होने के बाद बिहार के सेंटर्स के पास व्हाट्सएप के जरिए पहुंचा था। और दावा ये भी है कि कुछ चुनिंदा लोगों तक नीट के पेपर को व्हाट्सएप के जरिए पहुंचाया गया, जो बाद में वायरल हो गया। पटना के ईओयू का दावा है कि उन्होंने इस बारे में एनटीए को नोटिस जारी किए, 3 बार नोटिस जारी करके एनटीए से अहम तथ्यों पर जानकारी मांगी। दावा है कि एनटीए ने बुधवार की रात ईओयू को ईमेल पर नोटिस का जवाब दिया। पटना ईओयू के मुताबिक एनटीए ने जो जानकारी भेजी है वो आधी अधूरी है। दावा किया गया है कि सिर्फ कुछ छात्रों की ही जानकारी एनटीए ने भेजी है। ईओयू के मुताबिक एनटीए ने कई मूलभूत सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। दावा है कि एनटीए ने ऐसे सवालों को नजरअंदाज कर दिया, जिससे जांच में मदद मिल सके। दावा है कि वो जवाब नहीं दिए गए, जिससे पेपर लीक के मूल स्रोत तक पहुंचा जा सके। दरअसल ईओयू ने एनटीए से पूछा था कि प्रश्न पत्र किस प्रेस में छपे थे, एक प्रेस या ज्यादा प्रेस में छपे थे, किस कंपनी या एजेंसी को प्रेस से अलग अलग राज्यों में पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, पूरी प्रक्रिया के बारे में एनटीए के किस स्तर के कितने पदाधिकारियों को जानकारी थी, विशेष रूप से बिहार में प्रश्न पत्र को लाने और इसके अलग अलग जगहों पर मौजूद परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की जवाबदेही किसे सौंपी गई, ये सारे सवाल पूछे गए थे। हालांकि नीट मामले में सियासी किरदार भी कूद पड़े हैं। कांग्रेस जांच पर सवाल खड़े कर रही है और सरकार गड़बड़ी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कर रही है। जिस एनटीए के नेतृत्व में ये पूरे का पूरा स्कैम हुआ, पेपर लीक हुआ, आप उसी को बोल रहे हो कि आप इंक्वायरी करें, तो ये किस प्रकार का ठोस कदम हुआ? सारे विषय पारदर्शिता, वो जिस तरीके की पारदर्शिता होनी चाहिए उस विषय को सामने लाएंगे। आप चिंता मत करिएगा, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं बच्चों के गार्जियंस को यानी अभिभावकों को ये आश्वस्त करता हूँ कि ना इंसाफी किसी के साथ नहीं। वहीं गुरुवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एनटीए के अधिकारियों से मिलने पहुंचे और उसके बाद उन्होंने साफ किया कि विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है और उन्होंने दावा किया कि पेपर लीक के कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं। पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रिट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एक एलिगेशन पेपर लीक हुआ है, कहां है प्रमाण हुआ है? एक कोई एक दो चीजों की न्यूज आइटम पे अगर प्रमाण आधारित होता है तब कोर्ट उसको विचार करेगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी, वो कोर्ट में 8 जुलाई को चर्चा भी होगी। मसला 23 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य का है। ग्रेस मार्क्स रद्द होने से अगर कुछ छात्रों में खुशी है कि इससे कम से कम कट ऑफ नीचे आएगा, तो वहीं उन छात्रों में नाराजगी है जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे और अब उन्हें फिर से परीक्षा देने के लिए कहा जा रहा है। चलिए अब समझिए इसे ग्राफिक्स के माध्यम से, अब तक जो सामने आया है उसे समझना जरूरी है, एक एक कर आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। अब जरा यह समझिए कि एनटीए पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। सीधा सा सवाल है, तो नीट में पेपर लीक मामले में जांच भी तेजी से चल रही है।
ये भी जान लेते हैं कि जांच में अब तक क्या क्या हुआ है। तो विवाद क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। पटना में एग्जाम में पहले पेपर लीक होता है और बिहार पुलिस को जले हुए पेपर मिले। इसके बाद बात आगे बढ़ती है, एनटीए पर सवाल क्यों उठ रहे हैं ये बता रहे हैं कि पेपर की जांच के लिए ईओए ने अपना ओरिजिनल पेपर मांगा था। इसके बाद एनटीए ने अब तक ओरिजिनल पेपर नहीं दिए हैं और चार सेटर्स समेत 13 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो एक एक कर ये हम आपको एक मोटा मोटी जो जानकारी है इसमें पहुंची है। जांच कहां तक पहुंची, 11 छात्रों के रोल कोड मिल गए हैं सेंटर्स के पास से। ईओयू ने एनटीए के 11 छात्रों की जानकारी मांगी है। ईओयू ने कहा कि उनकी जानकारी हमें शेयर करें। 11 छात्रों की जो डिटेल्स है एनटीए ने ईओयू को दे दी है। अभी तक की जो जांच के जो दायरे हैं कहां तक पहुंचा ये हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा जो चीजें सामने आ रही हैं, पेपर लीक पे सीबीआई इन्वेस्टिगेटर है तो पता लग जाएगा। अगर उनको ये एग्जाम लेना ही था तो उन्होंने ग्रेस मार्क्स क्यों दिए? एनटीए टेस्टिंग एजेंसी के स्कैम एजेंसी है। बात करते हैं अग्निवीर योजना की। जब से ये योजना लागू की गई तब से इस पर राजनीति शुरू हो गई। लोकसभा चुनाव में भी इस मुद्दे पर जमकर राजनीति हुई। विपक्ष लगातार इस योजना को रद्द करने की मांग कर रहा है और इस बीच खबर ये आ रही है कि अग्निपथ योजना में बदलाव को लेकर केंद्र सरकार विचार कर रही है और सूत्रों ने बताया है कि हो सकता है कि सरकार इसे लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। इंडिया की सरकार आएगी, अग्निवीर योजना को उठाकर हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। और मैं समझता हूं कि इलेक्शन का प्रभाव भी पड़ा है अग्निवीर की, खासतौर में उत्तर प्रदेश और बाकी जगह में। अग्निवीर जो 24 के चुनावी पथ पर सबसे ज्वलंत मुद्दा रहा, अग्निवीर जिसे विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं ने चुनावी मंच पर उठाया, अब उस अग्निवीर योजना में बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है क्योंकि इस मुद्दे का असर सियासी घमासान से लेकर चुनावी परिणाम तक में देखने को मिला। इस बार हमारी पूरी कोशिश होगी, ऑपोजिशन में बैठे हैं मगर अग्निवीर को ऑपोजिशन में रद्द करने की कोशिश करें। अग्निपथ स्कीम को लागू हुए 1.5 साल का वक्त हो चुका है और इन 1.5 साल में इस स्कीम को रिव्यू किया जा रहा है। अब सूत्रों से खबर है कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने तीनों सेना से इस पर रिपोर्ट मांगी है, यानी अग्निवीर योजना में कुछ बदलाव हो सकते हैं। अग्निवीर जवानों का कार्यकाल बढ़ सकता है, अभी अग्निवीर जवानों का कार्यकाल 4 साल है। 25% रिटेंशन की स्कीम में बदलाव हो सकता है। सेना इस बात पर चर्चा कर रही है कि अग्निवीरों के लिए ट्रेनिंग पीरियड को आम सैनिकों के लिए निर्धारित ट्रेनिंग की तरह ही किया जाए, जबकि उनके सर्विस टाइम को बढ़ाकर 4 के बजाय 7 वर्ष किया जाए, जिससे उन्हें ग्रेचुएटी और पूर्व सैनिक होने का दर्जा दिया जा सके। यानी जो मुद्दा चुनाव के वक्त उठा अब उस पर मंथन शुरू हो चुका है। अग्निवीर से जुड़े मामले पर आने वाले दिनों में केंद्र सरकार के द्वारा कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जिस तरह से बड़े फैसलों की अगर बात करें तो जिस तरह से उनके जो सेवा काल की जो अवधि पहले से तय थी 4 साल, 4 साल की अवधि को बढ़ा करके 7 से 8 साल किया जा सकता है। राहुल ही नहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इस योजना के विरोध में रहे हैं। अखिलेश के मुताबिक ये योजना अस्वीकार्य है। अग्निवीर योजना को युवा कभी स्वीकार नहीं कर सकते। देश की सुरक्षा के लिए अगर सिर्फ 4 साल की नौकरी देंगे और उसमें भी आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी और देश के लिए मरने पर सैनिक को सम्मान नहीं मिलेगा, इन 4 वर्षों के भीतर कोई भी इस नौकरी को स्वीकार नहीं करेगा। और गरीबों की मदद करने की पॉलिटिक्स हो राजनीति हो, अग्निवीर अब भैया मैं आपको बता रहा हूं, अब हमारे पास पार्लियामेंट हाउस में सेना बैठी हुई है,
सेना बैठी हुई है। इस बार हमारी पूरी कोशिश होगी, ऑपोजिशन में बैठे हैं मगर अग्निवीर को ऑपोजिशन में रद्द करने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलती है कि उन्हें अग्निवीर जैसी व्यवस्था नहीं लानी चाहिए। और न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होनी चाहिए बल्कि बहुत से नौजवान जिनको रोजगार नहीं मिल पाया, फौज में जाना चाहते थे, उन्हें उम्र की छूट भी देनी चाहिए। दरअसल अग्निवीर योजना पेंशन बिल को कम करने और सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। हालांकि नए भर्ती किए गए सैनिकों के बीच ट्रेनिंग और विशेषज्ञता की कमी को लेकर चिंताएं जताई गई। ये योजना 17.5 साल से 21 साल की आयु वर्ग के युवाओं के लिए है, जिसमें 4 साल की अवधि के लिए भर्ती करने का प्रावधान है। वहीं 25% अग्निवीर को 15 साल तक बनाए रखने का प्रावधान है। योजना के मुताबिक 75% अग्निवीर जो 4 साल में रिटायर होंगे उन्हें 12 लाख रुपए एक मुश्त दिया जाएगा। अब खबरें हैं कि सशस्त्र बल सैन्य भर्ती के लिए अग्निपथ योजना में संभावित बदलावों पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें बदलावों के लिए मुख्य पहलू 25% रिटेन करना और ट्रेनिंग पीरियड वाले मुद्दे हैं, जिनको लेकर अंदर खाने चर्चा शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।